मॉर्निंग क्लास. मैसेल्फ रविंद्र पुनिया, बीजेटी केमिस्ट्री, सूरज स्कूल, भिवाड़ी. इन टुडेज लेक्चर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेस्पर थ्योरी. प्रीवियस वीडियो इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दैट इज लुईस रॉड स्ट्रक्चर. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेस्पर थ्योरी. द फुल फॉर्म ऑफ वेस्पर इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन एक कार्बन है और उसी कार्बन में दोनों ऑक्सीजन है, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो CO2 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आंसर आता है कि अगर हम CO2 का कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें तो दैट इज 6 2 4. आउटरमोस्ट में कितने आए? 4. तो सेम वही जो हम लुईस में करते थे कि 4 1 2 3 4, एक बार के लिए ऐसे बना देते. उसके बाद दो ऑक्सीजन है इसके साथ, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन. अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन को कंप्लीट होने के लिए 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये दोनों शेयर हो गया मान लीजिए. दूसरा ऑक्सीजन उसे भी 1 2 3 4 5 6, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गए. कार्बन के पास क्या बचा? तो दो यहाँ शेयर कर दिए, दो यहाँ शेयर कर दिए, कुछ नहीं बचा. तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में हमें पेयर्स ढूंढने हैं कि बॉन्डिंग किसके साथ हुई और किसके साथ नहीं हुई. तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड हुए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड हुए, इसका मतलब जो पेयर है वो 1 2 3 एंड 4 तो हो गए बॉन्ड पेयर. तो बहुत ध्यान से देखना, ये चीजें समझनी हमें कि बॉन्ड पेयर कितने हैं. तो बॉन्ड पेयर क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में आ गया, वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ. तो कार्बन ने अपने चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए उसके पास? 4. दूसरा हमें यहाँ ढूंढना होता है लोन पेयर. लोन पेयर क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर नहीं हुए. यहाँ पर देखिए चार इलेक्ट्रॉन थे और चारों पेयर हो गए, तो लोन पेयर कितने आए यहाँ पर? 0. अगर मान लीजिए इसके बाद आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते तो 1 2 3 4 दो बच जाते. अब जो दो बच गए उन्हें हम कहते हैं एक लोन पेयर, लेकिन यहाँ पर नहीं है. तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है और चार बॉन्ड पेयर. तो यहाँ पर कार्बन चार बॉन्ड पेयर है इस तरीके से, और कोई लोन पेयर नहीं है. तो वेस्पर थ्योरी क्या कहती है? आगे चलते हैं रिपल्शन थ्योरी. कि जो बॉन्ड पेयर होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे. तो यहाँ पर दो बॉन्ड एक तरफ है, दो बॉन्ड एक साथ है, तो ये जो पेयर है और ये जो पेयर है, ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल करेगा. और जब ये एक दूसरे को रिपल करेगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे. अब अगर दो ही चीजें हैं तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस? तो 180 डिग्री. तो इसका मतलब CO2 में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में कितना एंगल होता है? 180 का. इसका मतलब अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं तो ये गलत होगा, क्योंकि ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? रिपल. और ये दोनों बॉन्ड पेयर रिपल करेंगे, तो यहाँ तो 90 डिग्री है और यहाँ 270 है. तो इसका मतलब ये यहाँ से इसको रिपल करके थोड़ा सा इधर भेजने की कोशिश करेगा. थोड़ी ना एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर इन CO2, द एंगल इज 180 डिग्री. तो ये आपको ध्यान रखना है. सिमिलरली आप ट्राई करें इसी तरीके से कि H2O का आप अपने आप बनाए. तो H2O में क्या है? ऑक्सीजन. तो ये आपको थोड़ा माइंड में करना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि नीट और IIT में हमें थोड़ा सा टाइम बचाना होता है कि हमारा 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाना चाहिए. तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है ऑक्सीजन. तो दिमाग में आता है ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से कितने शेयर किए? 2 हाइड्रोजन है, एक एक शेयर किया होगा तो 2 शेयर हो गए. तो 6 टोटल इलेक्ट्रॉन थे आउटरमोस्ट में, कितने शेयर कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए. कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए. इसका मतलब 6 थे जो शेयर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर. तो 2 बॉन्ड पेयर है. जो शेयर नहीं किए उन्हें क्या कहते हैं? लोन पेयर. तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए, इसका मतलब कितने लोन पेयर है इसके पास? लोन पेयर. ये निकालना बहुत जरूरी है वेस्पर में कि H2O की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. कितने शेयर कर दिए? 2. तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2. लोन पेयर कितने हो गए? 2. इसका मतलब ये लिखा ऑक्सीजन 1 2, ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करा दिया, हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गए. कितने बच गए इसके पास? 1 2 3 4. तो ये 1 2 3 4 किसी काम नहीं आ रहे थे, ये हो गए लोन पेयर. तो एक पेयर, दो पेयर, कितने पेयर है? 2 पेयर. तो अब देखें ऑक्सीजन
हाइड्रोजन। अब यहां पर मैं देखूं तो एक दो दो बॉन्ड पेयर है और साथ में दो है लोन पेयर। अब अगली कहानी स्टार्ट होती है, यहां पर सिर्फ बॉन्ड पेयर है, यहां पर लोन पेयर है। तो ये जो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, इसका जो प्रिंसिपल है जिस पर ये काम करती है वो बड़ा सिंपल है कि लोन पेयर और लोन पेयर का जो रिपल्शन है वो ज्यादा होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से, और वो ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कि दो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन मैक्सिमम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और सबसे कम रिपल्शन जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहां पर देखिए दो लोन पेयर है दो बॉन्ड पेयर है, तो हमें क्या करना है, चार टोटल हमारे पास कितने हैं, चार, जिनमें से हमारे पास दो क्या है बॉन्ड पेयर, दो क्या है लोन पेयर। तो अगर ऑक्सीजन को यहां रख के मैं ये लोन पेयर बना दूं, पहला लोन पेयर ये बना दिया मैंने, दूसरा लोन पेयर और ये मैंने बना दिया बॉन्ड पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो चार चीजों का मैंने इस तरीके से रख दिया। तो देखिए ये जो रिपल्शन होगा ये मैक्सिमम होगा, ये थोड़ा सेकंड नंबर पर मान लेते हैं रिपल्शन, और ये होगा सबसे कम रिपल्शन। तो इस बेसिस पर इसका बनेगा स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो यहां तक आप थोड़ा सा अच्छे से इसको देख लें। यहां पर मैंने सिर्फ वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन को प्रिंसिपल बताया और किस तरीके से अप्लाई करना है वो बताया। द नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको अप्लाई करके इसकी शेप, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। शेप और ज्योमेट्री में अगर अंतर नहीं पता तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, व्हाट इज द कन्वर्टिंग शेप एंड ज्योमेट्री। इतने तक आप ये होमवर्क करें।